पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मसूद अद्वितीय सिराजा मानसिंह ने नामांकन दो सेट में किया और साथ ही अपनी पत्नी का भी दो सेट से नामांकन किया। राजा मानसिंह ने कहा कि जो विकास नहीं हुआ है भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जो कार्य किसी नेता ने नहीं कराया है वह कार्य करवाया जाएगा। जो लोगों की उम्मीद है उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा। राजा मानसिंह ने कहा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई और आपका बेटा हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मसूदा तृतीय शेष यादव अचानक ट्रैक्टर पर सवार होकर धरती पुत्र मुलायम सिंह के नारे के साथ, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मसूदा तृतीय के सतीश यादव ने नामांकन किया। मैं मसूदा, समाजवादी पार्टी मसूदा तृतीय का प्रत्याशी हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त है और बहुत भरोसा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने हम पर दांव खेला है और टिकट दिया है। मैं समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और को धन्यवाद देता हूँ और अपने साथ चल रहे सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारे मनोबल को कभी कमज़ोर नहीं होने दिए। हमेशा हमारे संघर्ष में चल रहे हमारे साथी प्रदीप भाई, राहुल भाई, संजय यादव, कृष्णा, प्रेम और आकाश, अंकित, धर्मेंद्र, अनेक साथियों ने साथ दिया है, उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरा मुद्दा है वर्तमान सरकार नौजवानों और किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। किसान विरोधी जो काला बिल आया है उससे किसान परेशान है। नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, महिलाओं को समाजवादी पेंशन बंद हो गई है और किसान का फसल साढ़ बछुए चर ले रहे हैं, किसान परेशान है। इसी आंदोलन के साथ मैं मसूदा तृतीय से आगाज़ कर दिया हूँ और यही आगाज़ जो होगा आगे चलकर 22 की सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तब नौजवानों और किसानों में खुशहाली आएगी और यही समाजवादी रास्ते से खुशहाली के रास्ते जाते हैं और तभी हमारा नौजवान, हमारा किसान खुश होगा, तब हमारे प्रदेश का विकास होगा। मसूदा द्वितीय से हम लड़ रहे हैं चुनाव और मुद्दा ये रहेगा, जो विकास नहीं हुई है भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जो भी कार्य किसी नेता ने नहीं कराया है वो कार्य कराया जाएगा। जो लोगों को उम्मीद है राजा मानसिंह के ऊपर, उस उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। सारे नेता जितने भी हैं सब चुनाव से पहले ही जो है मतलब विकास की बात करते हैं, जनता कहती है कि चुनाव के बाद कोई आता नहीं, ऐसा क्या मेन आपका रहेगा? जैसे जनता सच बोलती है उसका कहना रीज़न सही है, नहीं तो लोग बिखर जाते हैं, लेकिन नेता होता नहीं हम भैया, हम जनता के भाई हैं, बेटा है और भाई बेटा कभी वादों से बिखरता नहीं है। क्या अपील करेंगे आप जनता से? अपील है भैया, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है सभी माताओं बहनों को, मसूदा तृतीय की देवतुल जनता को, राजा मानसिंह की तरफ से ज़्यादा ज़्यादा संख्या में वोट करें 15 तारीख को। उसके बाद अपना उनका भाई व बेटा उनके हमेशा कार्य में सदैव।